बढ़िया मेहंदी लगाना हाँ। हमारी बहुरिया का पहला करवा चौथ है। नमस्ते अम्मा। दादी जी का नाम लिख दो। हाँ लिख दो ना दीदी। हमारे हाथों में भी मेहंदी लगा दीजिए ना। वो कहा है कि उस शादी में इनका नाम हम अच्छे से लिखवा नहीं पाए थे, पर इस बार अच्छे से लिखवाएंगे। लिख दीजिए हमारे एजीओ जी का नाम। हाँ दीदी अच्छे से लिखना शिवम। हाँ हाँ एकदम बड़ा बड़ा लिखना, सबको दिखना चाहिए ना कि किसका नाम लिखा है। कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है, सच्ची में बहुत प्यारी लग रही है। अच्छी रची है ना? ऐसे क्या देख रही हो? कुछ गलत कहा का हमने? नहीं। अरे ये काहे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही है, कहीं से याद तो नहीं आ गया? नहीं नहीं बहुत पुरानी बात है। ला मेहंदी लगा दे जल्दी। आज जिसकी भी मेहंदी सबसे अच्छी रचेगी ना उसको हम इनाम देंगे। नहीं नानी जी, हम ही इनाम लेके जाएंगे, है ना मम्मी जी? उड़ो मत ज्यादा, मेहंदी रचने तो पहले फिर देखेंगे। रिया रिया बंटी आराम से, मेहंदी खराब हो जाएगी। लहंगा तैयार है ना? ये आ गई है लेने। पैसे वापस नहीं देंगे कह रहे हैं। नहीं बना पाई, वो टाइम ही नहीं मिला, वो आपका बिच्छू वाला कांड हो गया था ना इसलिए। शांति सदन में डेली एक ड्रामे का डोस ना होना तो मजा ही नहीं आता। अरे पर कच्चू तो बनाया है ना? कुछ भी नहीं बना पाई, हमारी तो नाक ही सरका दी। अरे चोर बाजार से कच्चू लाके चिपका देती, अब तो ये पैसे वापस मांगेगी। अब क्या करती दादी, बहुत परेशान थे, मैं भी परेशान थी, तो ऐसे वक्त में बनाती अच्छा लगता क्या? अब लहंगा बनाया नहीं है तो पैसे तो देने पड़ेंगे। दे दो। नहीं नहीं आई है कहाँ इस घर में, एक बार गांधी छाप हमारी पोटली में घुस गए ना फिर खुद चाहे तो भी नहीं निकल सकते। हम कछु नहीं जानते, तू ऑर्डर पूरा कर, कछु दे दे चिखा दे। आ गई आ गई तुम, अच्छा किया। तुम्हारी सहेली की पहली करवा चौथ है ना? इलो नींबू शक्कर का घोल है मेहंदी पे लगा लो। तुम मेहंदी नहीं लगाओगी का? व्रत रखा है तुमने? नहीं नहीं आंटी जी, मैंने कोई व्रत नहीं रखा। अब देखिए ना, हमारी रिया को बिना किसी करवा चौथ के व्रत के इतना अच्छा हस्बैंड मिल गया तो मुझे भी मिल जाएगा कोई शिवम जी जी जैसा। तुम लहंगा लेने आई हो ना? जी दादी जी, मैं पैसे भी लाई हूँ, पर पहले लहंगा तो दिखाइए। वो का दिखाएं? छोटी रानी आती लहंगा। अरे भाई बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी हमें, रात को एक झपकी भी नसीब नहीं हुई, पूरी रात बैठ के उसके सर पे हमने काम करवाया तब जाके लहंगा तैयार हुआ। हमारे घर में है ना, अगर हम अपने दिमाग के घोड़े नहीं चलाए ना तो कच्चू नहीं होता, है ना गुस्सा? अम्मा जी आपके बिना, आप नहीं होती तो लहंगा कैसे बनता है? मेरी बैटरी क्यों डाउन है, क्या हुआ है? चला मेहंदी लगा। हाँ लगवाएंगे। इन दोनों की बातें सुनने में मगन काहे है?
की छुकरियों की छिछोरी बातें सुन के कछुनाई होगा मेहंदी लगा। हाँ हाँ लगाएंगे लगाएंगे, डिजाइन देख रहे हैं डिजाइन। हाँ तो सुंदर ही बनेगा ना है, सुंदर काहे ना ही बनेगा, कारीगरी किसकी, डिजाइन किसकी, जगह कौन। पूरी रात जागी अम्मा जी हमारे साथ। तो जगना ही पड़ा ना भाई, वो कहा है हमारी डिजाइन है तो बताना पड़ता है कि यहाँ लगा, ये लेस यहाँ लगा है, ये सब करते करते सुबह हो गई है ना विट्टो रानी, बता दे। दादी एक काम करते हैं, मैं कोरा कागज लाती हूँ, आप उसमें सारी डिजाइन बना दो और हम एक दुकान खोलते हैं, शांति लहंगा स्टोर। अच्छा आइडिया ना। हाँ वो तो बिकेंगे, पर अभी तो चपर चपर छोड़, कछु खाने पीना के इंतजाम कर सबके लाने। सबका तो व्रत है। अरे जिसका नहीं उसके लाने कर, अभी मंडली वाले भी आएंगे, भूखे पेट ढोल पीटते रहेंगे। का वाकई दादी जी लहंगा बहुत सुंदर बना है, मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। बूढ़े बुजुर्ग घर में बैठे हैं, हाथ पैर चल रहे हैं और पैसे जमाएंगे तो छोकरिया के हाथ में। घोर अपमान कर दिया हमारा, घोर अपमान तुम्हें। अरे बंटिया अम्मा जी को दो, निम्मी की पहली कमाई है, अम्मा जी के आशीर्वाद के बिना कैसे चलेगा काम बताओ हमको। चल चल चाहिए। 10,000 का सामान लिया था उधार पे, उसका चुकाना तो पड़ेगा ना। आराम से ये देख के पैसे भागे थोड़ी जा रहे हैं, पैसे हैं पहले भगवान से तो छुआ ले फिर दे देंगे। जल्दी चावल लेके आ और वो सब हम जो शॉपिंग करके लाए थे सबके लिए वो। हाँ हाँ वो आपके कमरे में रख जाए। जल्दी चावल लिया।